जंगल में छोटे बच्चे की नैप करने वाला कालू कौवा आया हुआ था इसलिए उन दिनों सभी छोटे बड़े पक्षी बहुत डरे हुए थे जब सारे बड़े पक्षी दाना लेने जंगल जाते तो कालू कौवा पीछे से आता छोटे बुलबुल के बच्चे लो लो ये चॉकलेट ले लो आप आप बच्चे पकड़ने वाले तो नहीं है न? ना ना मैं मैं तो अच्छा कहवा हूँ जो बच्चे मुझे सुंदर लगते हैं, मैं उन्हें चॉकलेट देता हूँ लो लो खा लो फिर डरते डरते बुलबुल का बच्चा दुष्ट कहे से चॉकलेट लेकर खा लेता है और एक मिनट के अंदर अंदर वो भी होश हो जाता है हो, हो गया हो गया काम इधर उधर देख कर कालू कबा बुलबुल के बच्चे को घोंसले से उठा कर थैले में डाल लेता है और जल्दी से भाग जाता है शाम हो जाती है बुलबुल बुल जब अपने घोंसले में वापस आती है तो अपने छोटे बच्चे को घोंसले में ना देख कर रोने लग जाती है मेरा बच्चा मेरा बच्चा उस जालिम ने किडनैप कर लिया है कोई मेरी मदद करे मेरा बच्चा बुलबुल बुल को रोता हुआ देख कर चिड़िया और तोती वहाँ आ जाती हैं। बुलबुल बहन बुल कहीं तुम्हारा बच्चा नानों के पास ना चला गया हो कहा चिड़िया बहन उसे तो अभी तक उड़ना भी नहीं आता था मेरे बच्चे को जरूर किसी ने किडनैप किया है <laughs> कालू कवा बच्चे किडनैप करके माही झील को बेच देता और बदले में दाना लेकर मजे करता था दूसरी सुबह सब परेशान थे कोई भी पक्षी अभी तक भोजन लेने नहीं गया था चिड़िया तोती और लूसी कबूतरी से कहती है लूसी और हरियाली हम सब अपने अपने बच्चे एक ही घर में छोड़ जाते हैं। ऐसे हम आराम से दाना ढूंढ सकेंगे हाँ हाँ बच्चों को कहेंगे कि अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लें। चिड़िया तुम्हारा घर सुरक्षित भी है और मजबूत भी मैं और हरियाली अपने अपने बच्चे इसी घर में ले आते हैं फिर हरियाली धोती और लूसी कबूतरी अपने अपने बच्चे चिड़िया के पास ले आते हैं मम्मा अगर वो कौवा आया तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे ऐसा ही करना है ना हाँ बच्चों आपने उसकी किसी बात का जवाब नहीं देना अगर वो चॉकलेट देने का कहे तो फिर भी दरवाजा नहीं खोलना सुना है वो कौवा चॉकलेट का लालच देकर बच्चों को किडनैप करता है फिर सभी मामा पक्षी चिड़िया कबूतरी और तोती दाना लेने घर से निकलती हैं। बरगद के पेड़ के पीछे छुपा हुआ कौवा छुप कर सब देख रहा था वो अपना बच्चे डालने वाला थैला लेकर बाहर आता है और सीधा चिड़िया के घर की तरफ जाता है टी टी मेरे पास गाड़ी है अगर किसी को लेनी है तो ले, ले। की, की, की दोस्त और छोटे मिठू ये वही कौवा होगा मगर बच्चे की नैप करने वाला अंकल कौवा तो चॉकलेट का लालच देता है इसके पास तो गाड़ी है खिलौना गाड़ी नहीं नहीं जो भी है हम दरवाजा नहीं खोलेंगे चॉकलेट चॉकलेट भी है मेरे पास चॉकलेट का सुनकर तो सभी बच्चे डर जाते हैं ये वही कौवा है देखो देखो वो चॉकलेट का लालच दे रहा है फिर वो सब घर के अंदर ही छुप जाते हैं लुकता है इन्होंने मुझे पहचान लिया है अब इन्हें कोई और लालच देना होगा कॉटन कैंडी कॉटन कैंडी ले लो फ्री में कॉटन कैंडी रंग बिरंगी गुलाबी सफेद और लाल लाल कॉटन कैंडी कॉटन कैंडी ये वो बच्चे नैप करने वाला कौवा नहीं है क्योंकि इसके पास तो कॉटन कैंडी भी है चुप चुप कर जाओ ये वही है मुझे कॉटन कैंडी खानी है वो फ्री में दे रहा है ऐसा कहते हुए छोटा मिठू जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोल देता है कौवा घर के अंदर घुस आता है <laughs> कॉटन कैंडी कॉटन कैंडी मुझे सब पता है बच्चे किस चीज से लालच में आते हैं कुकु तो घड़ी के पीछे छुप जाता है और कवा छोटे मिठू और कीकी को पकड़कर थैले में डाल लेता है और कोई है और कोई है जिसे कॉटन कैंडी लेनी है बाही राओ, बाही आओ है और कोई भी नहीं है हाहा। कवा अपना थैला पीछे लगाता है और जल्दी से वहाँ से भागता है जब कौवा थोड़ी दूर जाता है तो कुकू घड़ी के पीछे से निकलकर भागता है उसे पता था कि उसकी मम्मा हर रोज दाना लेने कहा जाती है ममा, ममा, वो, वो कवा, वो कवा ले गया वो कीकी -की और छोटे मिठू को बड़े थैले में डाल कर ले गया है हरियाली लूसी जल्दी चलो वो अभी इसी जंगल में होगा मेरा बच्चा मेरा बच्चा वो तीनों माए आगे के रास्ते से होती हुई कवे को रोक लेती हैं। कुकु भी उनके पीछे पीछे आ जाता है कुकु क्या हुआ मैं तो कचरा उठाने वाला पक्षी हूँ मम्मा मम्मा ये वही है ये वही कौवा है जिसने कीकी और मिठू को किया है। अपना थैला खाली करो जल्दी करो वरना हम बहुत मारेंगे तुम्हें सारी मामाए मिलकर कफ्बे से थैला छीन लेती हैं और अपने बच्चों को थैले से बाहर निकाल लेती हैं। इसे पुलिस के हवाले करना होगा फिर ही जंगल में शांति होगी कुकू ने दिमाग से काम लेते हुए अपने दोस्तों की जान बचाई थी और छोटे मिठू के लालच ने उन्हें खतरे में डाल दिया था चिड़िया पुलिस को बुलाती है और पुलिस उस गवे को पुलिस वैन में डालकर ले जाती है प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना आपका धन्यवाद किसी जंगल में सोनो और मोनो दो बहनें रहती थीं। सोनो बहुत सुंदर थी इसलिए वो बहुत घुमंडी थी वो हर समय अपनी बहन मोनो से लड़ाई करती थी मैंने दो रोटियां बनाकर रख दी हैं, दोनों बहनें एक एक खा लेना ऐसा कहते हुए उनकी मम्मा घर से चली जाती है मुझे तुम्हारे साथ खाना खाने में घिन आती है चल तू अपने पंख धोकर आ पहले बहन सोनो मैंने तो अभी अभी, अभी अपने पंख धोए हैं जाओ फिर से धोकर आओ मोनो अपने पंख धोने जाती है तो पीछे से सोनो दोनों रोटियां ही खा लेती है तुमने मेरे हिस्से की रोटी भी खा ली है तुम बहुत बुरी हो हर समय मेरे साथ ऐसा ही करती हो तुमने मुझे बुरा कहा मैं अभी देखती हूँ तुझे ऐसा कहते हुए सोनो एक जलती हुई छड़ी उठाकर अपनी बहन मोनो को मारने लगती है मम्मा मुझे बचा ले मुझे बचा ले मम्मा मेरा पंख जल गया है मुझे बचा ले <laughs> जलती हुई छड़ी से मोनो का पंख जल जाता है ये सब देखकर सोनो डर जाती है मोनो मोनो मैं अभी पानी ला कर डालती हूँ मोनो भागकर मटके से पानी लाकर अपनी बहन के जलते हुए पंख पर डाल देती है आग तो बुझ जाती है मगर अब मोनो को बहुत दर्द हो रहा था तुमने मेरा पंख जला दिया अब मैं कैसे उड़ पाऊंगी तुमने ऐसा क्यों किया क्यों किया? क्या करूं गोरी बहन मेरी बड़ी बेटी सोनो अपनी छोटी बहन से बहुत लड़ाई करती है जब देखो उसे मारती रहती है अभी छोटी हैं दोनों जैसे जैसे बड़ी होंगी सब ठीक हो जाएगा हरियाली तोती भागी भागी वहाँ आती है चिड़िया चिड़िया मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रही थी कि मैंने तुम्हारे घर से शोर सुना कोई बहुत ऊंची आवाज से रो रहा था हाय मैं मर गई फिर वही लड़ाई जरूर सोनो ने मोनो को मारा होगा चिड़िया जल्दी से अपने घर भागती है मोनो मोनो क्या बात है कुछ हुआ है क्या मुझे तोती ने बताया कि तुम रो रही थी मोनो चुप रहती है नहीं नहीं मम्मा कुछ भी तो नहीं हुआ हम तो आपस में खेल रही थी अपनी बहन को मम्मा से बचाने के लिए मोनो हाँ में अपना सर हिलाती है मगर दूसरे ही लम्हे मम्मा चिड़िया की नज़र मोनो के जले हुए पंख पर जाती है मोनो मोनो बेटी तुम्हारा ये पंख तो बुरी तरह जल गया है क्या शरारत की है तुमने मोनो रोने लगती है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था <laughs> ममा, ममा, मैं आग से खेल रही थी कि मेरा पंख जल गया <laughs> जल्दी से मम्मा चिड़िया अपनी बेटी मोनो को एक टोकरी में रखती है और उसे लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास चली जाती है बुलबुल बुलबुल जल्दी देखें, मेरी बेटी का पंख जल गया है इसके पंख में तो छेद हो गया है मैं मरहम लगा देती हूँ मगर शायद अब कभी भी मोनो उड़ नहीं पाएगी ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है मम्मा चुप कर जाए चुप कर जाए मम्मा अब मेरा दर्द कम हो गया है थोड़े दिनों तक मैं उड़ने भी लगूंगी मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी उसकी बेटी अपाहिज हो गई थी मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर वापिस आ जाती है जल्दी से सोनो बोलती है मम्मा क्या बताया बुलबुल डॉक्टर ने और लड़ो अपनी बहन से अब तुम्हारी बहन कभी उड़ नहीं सकेगी मम्मा इसमें सोनो का क्या दोष है मैं खुद ही आग से खेल रही थी सोनो जोरों से रोने लग जाती है आ, नहीं नहीं मम्मा ये सब मेरी वजह से हुआ है मैंने ही मोनो के पंख पर जलती हुई छड़ी मारी थी मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी <laughs> सोनो ऐसे रोती रहती है बेटी तुम्हारी एक छोटी सी गलती से तुम्हारी बहन जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई है अब कौन करेगा इसके काम कौन लाएगा इसके लिए उम्र भर दाना कौन करेगा इस अपाहिज चिड़िया से शादी मैं करूंगी मम्मा मैं सब करूंगी मोनो बहन मुझे माफ कर दे मैं आपकी नौकर बनकर सारी जिंदगी गुजारूंगी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी प्लीज मुझे माफ़ कर दे <laughs> बहन कितना ही अच्छा होता जो आप पहले सुधर जाती हम दोनों बहनें मिलकर नदी पर जाती साथ मिलकर दाना लेने जाती फिर उस दिन के बाद सोनो अपनी बहन के लिए दाना लाती उसके काम करती वो अपनी छोटी बहन से प्यार करने लगती है देखो देखो वो जा रही है वो जा रही है जिसने अपनी ही बहन के पंख चला दिए दूर हो जाओ तुम हमसे दूर ही रहो ये वो ताने थे जो उसे हर रोज सुनने को मिलते थे सोनो की एक छोटी सी गलती ने उसे उम्र भर के लिए शर्मिंदा और उसकी बहन को उम्र भर के लिए अपाहिज कर दिया था प्यारे दोस्तों इसलिए अपने गुस्से को काबू में रखें और अपने छोटे बहन भाइयों से प्यार करें आपका धन्यवाद